जब तक केसीआर जिंदा रहेंगे तब तक तेलंगाना रियासत बरकरार रहेगी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक तेलंगाना सेक्युलर रियासत बनी रहेगी। जंगगांव में बीआरएस पार्टी के जलसे आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने रियासत के मुसलमानों से अपील की कि वो रियासत में अमन कायम रखने के लिए बीआरएस हुकूमत को दोबारा इख्तदार में लाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना एक अमन पसंद रियासत है, 10 साल में रियासत काफी तरक्की किया है। हम से पहले तेलंगाना में कांग्रेस की 10 साल हुकूमत थी। कांग्रेस हुकूमत ने 10 साल में अखिलतों के लिए 950 करोड़ रुपए खर्च किए और उनकी खिदमत ने 10 साल में 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि अखिलतों के लिए बड़े पैमाने पर अकामती स्कूल्स कायम किए गए हैं जिनमें अखिलतों के लड़के और लड़कियाँ अंग्रेजी मीडियम की तालीम हासिल कर रही है। लेकिन 10 साल में बिहार सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए खर्च किया और किस प्रकार का रेजिडेंशियल स्कूल चल रहे, हमारे खवातीन, हमारे बच्चे, हमारे तुलबा किस प्रकार का इंग्लिश मीडियम पढ़ाई हासिल कर रहे हैं ये आप लोग जानते हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं, जब तक केसीआर जिंदा रहेगा तब तक तेलंगाना रियासत एक सेक्युलर रियासत बने रहेगा और ये मैं आपको वायदा करता हूँ। यहाँ कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, हमारा गंगा जमुना तहजीब बरकरार रहेगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अमन पसंद तेलंगाना रियासत भारत के लिए एक मिसाल बन गया है, आगे भी सभी मिलकर हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं।